खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां मंडला लोकसभा से प्रत्याशी फग्गन सिंह के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक कर रहे हैं। इसी बीच गिरते हुए पानी में फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ कार्यकर्ताओं ने रोड शो भी किया और बस स्टैंड में जाकर अपनी सभा को संबोधित किया। अगले ही दिन प्रदेश के मुखिया मोहन यादव और प्रहलाद पटेल का लखनादौन में आगमन हुआ। मौसम खराब होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उसके बाद प्रदेश के मुखिया मोहन यादव मंडला पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके संबोधन किया। इसके बाद प्रदेश के मुखिया कहानी पहुंचे, यहां लखनादौन के एडवोकेट बद्री यादव के साथ लगभग 60 से 70 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश के मुखिया ने सभा को संबोधित किया। इसी के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचे और जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में वोट की अपील भी की। परिवार को नमन करने का काम भी किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया ही है, उनको नमन करने का। जोरदार ताली बजाओ, उनके लिए वोट दिलवा रहे। मोर का पंख भगवान ने कब धारण नहीं किया? मोर का पंख की भगवान हम कभी भूल ही जाते, उनकी इतनी सारी विशेषता है। ये मोर का पंख धारण नहीं किया, उनने अपने गोकुल वृंदावन से जीवन भर गांव से संबंध रखते हुए, वो भले द्वारकाधीश हो गए या हस्तिनापुर चले गए या अपने सबसे बड़े भीषण युद्ध में खड़े रहिए, हर जगह जहां भी जाओ अपने गांव और गांव वालों को मत भूलो। इसलिए माथे पे मोर लगा करके उन्हें मोर पंख से संदेश दिया हमारे गोपाल कृष्ण ने।